कॉपी पेन बिल्कुल क्लोज, माइंड ऑन, और देखिए जरा कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे हम फाइंड करें। इसका मतलब कुल व्यक्तियों की संख्या देगा नहीं हमें, तो कैसे फाइंड करेंगे? तीन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं आपको। नंबर एक, तो ये सबसे पहले प्रैक्टिकल व्यक्ति बिठा रहा हूं क्योंकि कम संख्याएं दे रहा हूं ताकि आपको क्लियरेंस मिल सके। हाथ लगा लगा करके आंसर दिला रहा हूं, फिर उसका शॉर्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, एक क्वेश्चन फिर आपको दे रहा हूं करने के लिए ताकि सारा परीक्षण हो जाए यहां पर, ठीक है? जैसे ही कंटेंट दिए जाते हैं प्रश्न वैसा ही पूछा जाता है, अगर उत्तर चाहिए सरकार को तो। उत्तर नहीं चाहिए तो कुछ भी पूछ सकती है, हम कह देंगे कि ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन अगर सरकार को चाहिए कि उत्तर होता है इसका, तो फिर जैसा कंटेंट है वैसा ही क्वेश्चन पुटअप कर सकती है। जैसे सपोज करिएगा बेटा, ये आपके पास में एक पंक्ति है, ये इसका कौन सा भाग है? बायां। और ये इसका कौन सा भाग है? दायां। इस पंक्ति में इसने बोला प्रश्न ने कि राम का बाएं से पांचवां स्थान है, राम इज फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड, राम जो है बाएं से पांचवें स्थान पर, कौन बेटा? राम। तथा दाएं से आठवें स्थान पर है, कौन? यही राम। दाएं से कौन से नंबर पर है? ये आठवें स्थान पे है, इसका मतलब दाएं तरफ से यही राम जो है वो कितने नंबर पे है? आठ नंबर पे। तो सरकार पूछ रही है, अच्छा देखो ये बताओ जरा कि अगर ये बाएं से पांच नंबर पे है तो इसके इधर कितने रह गए? एक, दो, तीन और चार। और ये इधर से आठवां है तो इसके इधर कितने रह गए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और सात। तो सरकार पूछ रही है पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, फाइंड द टोटल पर्सन इन ए क्यू। काउंट कर लेंगे, नाई नाई बोले बाल कितने, बोले जजमान सामने आ जाएंगे दो ही मिनट में, ठीक है ना? काउंट कर लो, एक, अच्छा उत्तर भी आ गया क्या आपकी? चेक करता हूं, देखें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह हो रहे हैं मेरे। क्या कोई फॉर्मूला वॉर्मूला लगा रहे हो यार? मेरे को बता दो, लगा रहे हो क्या? कौन लगा रहा? अरे बताओ सही, कौन लगा रहा? नहीं कोई बात नहीं, लगा रहा तो बता दो कौन सा लगा रहा बेटा। ये बच्चा कहता, देखो मेरे को तो नहीं पता क्या है मामला, ये बच्चा क्या कह रहा है कि साहब टोटल याद करने का फॉर्मूला है इसके पास, लगाते ये कह रहा भाई अपना काम होना चाहिए, है ना? ये कह रहा है कि लेफ्ट प्लस राइट करो, ऐसा सुन रहा हूं मैं जहां तक ये यही कह रहा होगा। लेफ्ट किया, लेफ्ट कितना था? पांच, प्लस राइट किया कितना है? आठ। आठ और पांच कितने हो गए? तेरह। मेरा उत्तर आ गया। माइनस एक की यदि तुम बात कर रहे हो तो मुझे संतुष्ट करो कि वाई माइनस वन। इसका मतलब एक और हो सकता है कि तुम्हारा कोर्स भी समाप्त होने वाला है। दो चीजें निकलती इसकी, अपने आप बता देता है बच्चा कि भाई हाँ हो गए मेरे दिन पूरे। तो यहां पर ये क्या है कि आठ पांच तेरह, बच्चा कहता है एक घटा दो, एक घटाने का रीजन भी उसने सही दिया कि साहब इधर से पांचवें नंबर पे राम था, इधर से आठवें नंबर पे राम था, तो राम हमारे पास दो नहीं थे, राम हमारे पास एक ही था, तो आपने लेफ्ट प्लस राइट में दो राम एड हो गए, तो एक राम को घटाने बाबत माइनस करने बाबत उसको क्या है कि यहां पर माइनस करना पड़ा, और माइनस करना पड़ा तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ गया। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। इसका मतलब कब माइनस वन करना पड़ता है? पहली बात, जब सुनना जरा, जब एक ही व्यक्ति के दोनों तरफ से, चाहे ऊपर नीचे से, आगे पीछे से, दाएं बाएं से दो मान दे दे, चाहे मान समान हो चाहे अलग अलग हो, तो दोनों को जोड़कर माइनस वन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि एक ही व्यक्ति को दो बार नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए एक बार जोड़ करके फिर उसमें एक को घटा दिया जाता है, तो हमारे पास एग्जैक्ट टोटल आ जाता है। क्लियर नॉट क्लियर? इसका